मैसूर के कनकगिरी में डाउजिंग तकनीक से कुछ ही सेकंडों में भूमि का परीक्षण किया गया। डाउजिंग पद्धति जो है यह 8000 वर्ष पहले से प्रचलित है। इसमें लीबिया की गुफाओं में, अजेर गुफाओं में इसके चित्र आज भी अंकित हैं। जिन चित्रों से कैलकुलेशन किया गया, यह चित्र 8000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे, यानी कि यह विद्या का जन्म भारत में हुआ था, भारत के साथ साथ सभी देशों में फैला और इसी विद्या से भूमि के अंदर खनिज भंडार, भूमि के अंदर भूजल भंडार, भूमि के अंदर छिपी हुई सारी संपदा को खोजा जाता था। जब तक सैटेलाइट इमेजरी, एरियल फोटोग्राफी नहीं होती थी, तब तक भूमि के अंदर सोना, डायमंड इत्यादि खनिज भंडार खोजे जाते थे। और यह तकनीक का प्रयोग मैंने वास्तु में प्रयोग करके और यह सिद्ध किया कि भूमि की ऊर्जा किस तरह से यह डाउजिंग तकनीक काम करती है। यह दो कॉपर राडें जिस भूमि पर लेकर चलते हैं, जितनी इंटेंसिटी से यह राडें घूमती हैं, उसके आधार पर कह देता हूं वह भूमि उतनी एनर्जेटिक होगी। लेकिन कहीं कहीं पर यह राडें एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं, तो उस स्थान पर कोई निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला कोई भी एलिमेंट निगेटिव, जैसे कि किसी भी स्केल्टन, हड्डी, मुर्दा इत्यादि गड़ा होता है, और इन राडों के माध्यम से 700 स्थलों पर जमीन के अंदर गड़ी हुई हड्डी और मुर्दे निकाले जा चुके हैं। 20,000 भूमिगत जल भंडारों की खोज करके एमपी गवर्नमेंट को सौंपे गए, जहां पर नल जल योजनाएं आज भी चल रही हैं। गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड बना है वह कम सेकेंडों में भूमि की ऊर्जा को डाउजिंग तकनीक से चेक करके, परीक्षण करके, तीनों आइटम की हम यहाँ पर चेक करके दिखा रहे हैं। जैसे ये पेड़ की एनर्जी हम देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ तो कुछ छोड़ दिया, ये राडों का मूवमेंट हुआ। अब मैं हवन कुंडली की एनर्जी जाता हूँ, यही है। अब मैं ये देवी की एनर्जी को चेक कर रहा हूँ। यहाँ कर दिया एनर्जी, ऑर्डिनरी एनर्जी। अब मैं जैसे ही आ रहा, यही एनर्जी आपके जो इस स्थान की है, इससे थोड़ी सी कम सभा ग्रह की। इसी तरह से जैसे आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपका पावर, आपका हेल्थ, आपका आभा मंडल भी इस रॉड से पूरी तरह से चेक किया जा सकता है कि आपका ऑरा कितना है, आपके किस पार्ट में कहाँ प्रॉब्लम है।